हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपने कुछ पुरानी हिंदी मूवीज देखी हो तो उनमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी लेडी अगर उसको वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है तो बहुत बार ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो गर्भवती है या प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप किसी महिला का पीरियड मिस हुआ है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसी केस में प्रेगनेंसी को कंफर्म माना जाता है। वॉमिटिंग होने के बहुत सारे और कारण हो सकते हैं और हर बार प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के साथ होने वाले नौजिया या वॉमिटिंग के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जनरल लैंग्वेज में इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। पर अगर कंडीशन ज़्यादा गंभीर है तो मेडिकल टर्म्स में इसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमन है। तो आज हम बात करेंगे इसके क्या इंसिडेंसेस होते हैं, किन केसेस में महिलाओं को इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखकर इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, और अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो किन दवाइयों का सहारा लेकर इससे निजात पाई जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम या मॉर्निंग सिकनेस या प्रेगनेंसी में होना वाला नौजिया या वॉमिटिंग तकरीबन 75% केसेस में फीमेल्स को परेशान करता है। ज़्यादातर इसकी शुरुआत पीरियड मिस होने के 5th से 8th वीक में शुरू हो जाता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी 1.25 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में है तब तक इसकी शुरुआत हो जाती है। 2 से या 2.5 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में इसके सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस होते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये 4 से लेकर 5 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन तकरीबन 15 से 20% केसेस में ये 6 या 7 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है और तकरीबन 5% केसेस में ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रह सकती है। तो इसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे महिलाएँ जिनको सीवियर डिग्री ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होता है, तकरीबन 75% फीमेल से रिपोर्ट करती हैं कि वो अगली बार प्रेग्नेंट होना नहीं पसंद करेंगी, और तकरीबन 50 से 60% महिलाएं इस बात की शिकायत करती हैं कि वॉमिटिंग की वजह से उनकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा असर आ रहे हैं, अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप भी वो ख़राब हो जाते हैं कभी कभी इस नौजिया वॉमिटिंग की इरीटेशन की वजह से, और वो अपनी फैमिली और अपने वर्क को टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो नौजिया एंड वॉमिटिंग एक बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये इतनी ज़्यादा डेबिलिटेटिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा अनोइंग हो जाती है कि महिलाओं की डेली एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करती है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये रहती है तो कई बार इसमें वेट लॉस की शिकायत हो सकती है, बहुत बार ज़्यादा वॉमिटिंग के केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वे बच्चे जो कि इन महिलाओं से डिलीवर होते हैं उनमें लो बर्थ वेट और IUGR की शिकायतें भी देखी जाती हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी देखभाल होना और इसका ट्रीटमेंट अगर है तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से एसोसिएटेड फीचर्स हैं जिन महिलाओं में ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वे महिलाएं जो कि अपने वूम में फीमेल फीटस को कैरी कर रही हैं, उनमें नौजिया वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं निकालने हैं, ये सिर्फ एक स्टडीज में देखे गए फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा वे महिलाएँ जिनका बॉडी वेट कम है, जो लो बॉडी वेट वाली महिलाएँ हैं, उनमें नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिन महिलाओं को पहले से इंटेस्टिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाओं में नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उन महिलाओं में जिनमें कि एक से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, यानी कि ट्विन या ट्रिपलेट्स हैं, उनमें भी नौजिया वॉमिटिंग की परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा वे महिलाएँ जो कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं, यानी कि जिनके लाइफ में एक्सरसाइज की कमी रहती है, उन महिलाओं में भी नौजिया वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा देखी जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स या एयरेटेड ड्रिंक्स भी नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिन केसेस में नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिनके साथ इस नौजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। पर उससे पहले कि नौजिया वॉमिटिंग किस डिग्री तक महिला को परेशान कर सकती है, कभी कभी कुछ महिलाओं में सिर्फ भूख का नहीं लगना या थोड़ा सा बैड माउथ टेस्ट हो सकता है, या कभी कभी कुछ स्मेल की शिकायत महिलाएं करती हैं कि खाने से स्मेल आती है,
इसलिए वो खाना नहीं खा पाती हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो खाना खा सकती हैं। कुछ महिलाओं में वॉमिटिंग इतनी होती है कि दिन में 3, 4 या 5 वॉमिटिंग उन्हें हो ही जाती है, दवा लेने के बावजूद भी कई बार वॉमिटिंग हो जाती है। और कभी कभी कुछ महिलाओं में इतनी ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग होती है कि उन्हें मुँह से खाना पीना बंद करके ड्रिप देना पड़ता है या इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं। तो इसके सीवियरिटी के कई ग्रेड्स हो सकते हैं और कुछ सिंपल स्टेप्स जिसके द्वारा इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि जो डाइट की जो क्वांटिटी है वो बहुत स्मॉल रखी जाए। हर मील में बहुत स्मॉल क्वांटिटी 10, 20 या 50 ग्राम्स ऑफ फूड आइटम एक बार में लेना चाहिए और मील्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना चाहिए। तो इसलिए हर महिला को चाहिए कि वो अपने दिन में कम से कम 3 मेजर और 4 से 5 माइनर मील्स लें और एक मील में क्वांटिटी जो होनी चाहिए फूड आइटम्स की वो काफ़ी कम रख सकते हैं। अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो कुछ केसेस में केवल कुछ सिप्स ऑफ वाटर या 1-2 चम्मच आइसक्रीम या कुछ मिल्क शेक टाइप की चीज़ें ली जा सकती हैं। थोड़ी देर में जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या कम हो जाती है तब थोड़े से ज़्यादा फूड आइटम्स को बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर फूड आइटम्स जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडर वाले हैं या ज़्यादा स्मेल जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है उन फूड आइटम्स को अवॉइड करके भी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि माइनर एक्सरसाइज या माइल्ड एक्सरसाइजेस करके भी इन होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर किसी महिला को नौजिया की फीलिंग हो रही है तो वो अगर थोड़ी देर फ्रेश एयर में वॉक कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये फीलिंग कम हो जाती है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा स्मॉल मील का कोई अमाउंट वो ले सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बनाना ले सकते हैं या राइस ले सकते हैं या कर्ड ले सकते हैं, जो भी उन्हें अच्छे से अच्छा लग रहा है वो फूड आइटम ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा भी प्रेगनेंसी में होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि 5 से 10% केसेस होते हैं जहाँ पर कि कोई भी रेमेडी काम नहीं कर रही है तो ऐसे केसेस में मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिकेशंस को 6 मुख्य कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला मेडिकेशंस होते हैं कि कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि विटामिन B6, B3 और फोलिक एसिड होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड कैटेगरी में कुछ ड्रग्स आते हैं जो कि एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप में होते हैं और ये भी काफ़ी इफेक्टिवली प्रेगनेंसी में होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं एक बहुत ही कॉमन दवा जो कि आमतौर पर बहुत लोगों को पता होती है, पैरेनॉम या डोमपैराडॉन नाम की टैबलेट होती है जो कि मॉडरेटली सीवियर केसेस में प्रेगनेंसी में होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा सीवियर केसेस में एक और दूसरी ड्रग होती है जिसको कि ओंडेंसेट्रॉन कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में शुरू की गई है लेकिन काफ़ी हद तक सेफ्टी प्रोफाइल में अच्छी ड्रग है और इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 5वें नंबर पर ज़्यादा सीवियर केसेज में इंजेक्टेबल्स को देना ज़रूरी हो जाता है। और 6ठी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी होती है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर अच्छे से और जेंटल तरीके से अगर पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो कई बार ये सिंपल काउंसलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है क्योंकि इसमें स्ट्रेस का भी रोल होता है। तो प्रेगनेंसी से होने वाली नौजिया वॉमिटिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स के द्वारा इसको काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अपने डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी परहेज न करें। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़ने पर शेयर भी करें। थैंक यू।